तो गाइस क्या आप भी अपना रनर टाइम शोएब अख्तर की बॉलिंग से ज्यादा तेज करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो इस वीडियो में आपको मैं 5 वेज बताऊंगा कि आप अपना रनर टाइम कैसा सही कर सकते हैं और आपको रनर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। एक मिनट, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में जरूर पूछिएगा। अब चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको आज की वीडियो में 5 वेज बताऊंगा कि आप लोग अपने ब्लेंडर टाइम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो उन 5 वेज को जब आप अप्लाई करेंगे अपने सीन पे तो आपका रनर टाइम शोएब अख्तर की बॉलिंग से ज्यादा तेज हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक सीन है बहुत ही सिंपल सा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रनर व्यू क्या है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब चलते हैं वे नंबर 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा रेंडर टाइम कितना स्लो चल रहा है। अब फर्स्ट करें हमारे पास 200 फ्रेम्स या फिर 100 होती, 1 फ्रेम का 1 ब्लॉक इतनी देर में हो रहा है, वी डोंट नीड दिस। तो आइए इसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। तो गाइज आपने जैसे कि देखा कि कितना स्लो था रेंडर, तो आइए इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं रेंडर टाइम को। तो गाइज हम लोग चलते हैं वे नंबर 1 की तरफ। तो आप रेंडर प्रॉपर्टीज में आए और यहाँ पर आप ईवी में करें। तो अगर आपको ईवी में नहीं करना है, लाइक यहाँ पर ईवी इतना भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन कभी कभी होता है ईवी बहुत ही बुरा लगता है, बिकॉज लाइक साइकिल्स मेक थिंग्स बेटर और वो ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगता है। लाइक दिस इज ईवी और ये साइकिल्स है, तो ये देखिए कितना डिफरेंस है। और अब अगर फर्ज करें मैंने साइकिल्स में ही करना है, तो हम साइकिल्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, साइकिल्स में रेंडर टाइम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आपका ये सीपीयू पे है तो आप इसको जीपीयू पे करें। ये हो गया वे नंबर 1। और वे नंबर 2 ये है कि आप अपने व्यू पॉट में डिनोइजर को ऑफ करें, अपने मैक्स सैंपल्स को फुल कम करें लाइक 1, और रेंडर में आप अपने डिनोइज ऑन कर लें और ये जो नॉइज थ्रेशोल्ड है इसको 0.5 कर लें या 0.6, जितना बड़ा सीन है उतना ज्यादा आप करें। तो इन दिस केस मैं इसको 0.2 कर लेता हूँ, या फिर अगर आपने ज्यादा तेज करना तो 0.5 कर ले, लेकिन फुल मैक्सिमम ना करें। और उसके बाद अगर आपने डिनोइजर ऑन नहीं किया और आप अपने मैक्स सैंपल्स को बढ़ाएंगे ताकि आपकी वीडियो या इमेज 4K में आए, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आपके सैंपल्स 50 भी होते हैं और आपने डिनोइजर ऑन किया होता है, तब आपका 4K क्वालिटी आती है आपकी वीडियो की और इमेज की। तो मैं इसको मैक्सिमम 100 करता हूँ। अगर मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सीन है तो उसको मैं कभी 240 कर लेता हूँ, लेकिन मैं 240 से ज्यादा नहीं करता। तो इन दिस केस ये थोड़ा छोटा सा सीन है, तो इसमें मैं 100 मैक्स सैंपल्स, आप चाहें तो 50 भी कर सकते हैं, 128 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें आप 240 तक जाएं डिनोइजर ऑन करके। अब ये हो गया वे नंबर 2। वे नंबर 3 क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। आप आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पर अगर आपकी रेजोल्यूशन 200 है तो आप उसको वापस 100 कर लें या फिर 50 कर लें, लेकिन 100 डिफॉल्ट है तो आप 100 करें। और ये पिक्सल्स अब बहुत ज्यादा है, 4000, तो इसको मैं कम कर देता हूँ। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करें लाइक दिस, 800 भी करें ना, तो ये देखें बिल्कुल सेम है, जस्ट हमने इसको रिड्यूस किया है। अगर आपने थोड़ा सा हाई क्वालिटी ज्यादा रखनी है तो आप इसे 1000 कर लें या 1080 कर लें, दिस इज द डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन ये करेंगे तो आपका ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब ये वही बात है, ये सीन थोड़ा छोटा है, मतलब इसमें बहुत कम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसको बहुत कम कर लेता हूँ लाइक 800 और 500, मैं इसको इन दिस केस में 1000 कर लेता हूँ। और अगर आप किसी के लिए चीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट एनिमेशन या कुछ, तो आप तब हाई क्वालिटी में कर सकते हैं, तब आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा आपका रेंडर टाइम स्लो हो। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने प्रोफाइल के लिए अपने लिए बना रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये सेटिंग्स करें। तो अब ये हो गया वे नंबर 3। अब चलते हैं वे नंबर 4 की तरफ। आपके सीन में लाइटनिंग सबसे कम होनी चाहिए। अब इन दिस केस इतने छोटे सीन के लिए इतनी सी भी लाइटनिंग बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी लाइट्स को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करें। यहाँ पर तो अभी भी कम है, लेकिन कुछ सीन्स में लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक समथिंग लाइक दिस। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दिस इज द रिजल्ट, और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
अब मैं देखने के लिए, अब देखिए सही तरह नजर नहीं आ रहा तो मैं डिनाइजर ऑन करता हूँ। अच्छा ये ऐसा लग रहा है, चलें अब ये डिफरेंट लाना है, फिर मैं ये ऑफ कर लेता हूँ। सो आप अभी के लिए डिनाइजर ही ऑन कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आपने रेंडर करना हो तो अब आप ऑफ करें। तो अब इन दिस केस यानी मेरे पास इतनी लाइटनिंग है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, और इनमें से भी चंद लाइटनिंग को डिलीट कर देता हूँ लाइक दिस। और अब आप देखें आपका रेंडर व्यू थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसके लिए इन दिस केस आप कोई HDRI लगा लें। लाइक मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में या अपने प्रोजेक्ट्स में करता हूँ कि कोई HDRI लगा लेता हूँ। लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक HDRI डाला है, तो यहाँ पर है मेरा HDRI, मैं कोई से भी HDRI ले आता हूँ, फिर कैमरा व्यू में जाऊँगा। और अब आप देखें अभी HDRI नहीं आया, यहाँ से मैं इसकी स्ट्रेंथ को 1 कर देता हूँ, स्ट्रेंथ 1। सो गाइज ये देखें मैंने एक HDRI लगाया है और उस HDRI के साथ कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आपने फिर भी HDRI के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा और आपने दो तीन लाइटें और लगानी है, तब आप लगा लें, ले आए दो तीन लाइटें ऐड कर लें। लाइक मैं, मुझे शौक है यानी मैं इस तरह करता हूँ कि अपने HDRI की स्ट्रेंथ बहुत ही कम कर लेता हूँ ताकि उसका हल्का सा इफेक्ट पड़े, लाइक 0.1 और समथिंग। लाइक ये अभी बहुत डिम हो गया है, अब मैं शिफ्ट ही दबाऊंगा, एक लाइट ऐड करूंगा, सन लाइट नहीं स्पॉट लाइट या फिर पॉइंट लाइट, उसको मैं यहाँ पर ले आऊंगा, इसकी रेडियस में बढ़ा दूंगा लाइक समथिंग लाइक दिस 7, और इसको मैं 1000 कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ रेडिश टाइप या फिर ब्लूइश, और यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आते हैं और इसको कर लेते हैं येलोइश। तो मैं, मुझे इस तरह करना ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी आप ज्यादा लाइटनिंग को ना भी रखें। अब मैं डिनाइजर ऑन करके ये देखें पहले से कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वे, अब हम चलते हैं फोर्थ वे की तरफ। सबसे पहले मैं सॉलिड व्यू में जाता हूँ। यप, फोर्थ वे ये है कि जब भी आप कोई भी चीज रेंडर कर रहे हो, उस रेंडर से पहले आपका जो ब्लेंडर से सीन होगा उसको रेंडर व्यू में नहीं लाना, इससे वो स्लो होता है। आप इसको सॉलिड व्यू में लाएं और उसके बाद रेंडर करें। और लास्ट चीज ये है यानी लास्ट वे कि जब आप रेंडर कर रहे हो लाइक दिस, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, जब आप रेंडर व्यू में जाएंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा पॉज प्रीव्यू, आप इसको पॉज कर लें ताकि ब्लेंडर इस तरफ कुछ भी फोकस ना करे, ब्लेंडर सिर्फ रेंडरिंग की तरफ फोकस करे। तो इन दिस केस मैंने ये स्टॉप कर लिया है, और अब जब मैं F12 या कंट्रोल F12 दबाऊंगा, अभी इन दिस केस मैं F12 दबाऊंगा, तो आए अब अपना रेंडर व्यू देखते हैं। ये देखें एक फ्रेम सिर्फ 3 सेकंड्स में कंप्लीट हुई है। इस वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने रेंडर टाइम को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो बाकी बातें मैं आपको आउट्रो में बताऊंगा, तो मिलते हैं आउट्रो में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपका रेंडर टाइम शोएब अख्तर की बॉलिंग से ज्यादा तेज हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।